की नदर वीडियो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एमएस जे गवार का एमएस जागुर 70cc बाइक का। एमएस जागुर 70cc बाइक जो कि आपके यहां पर देख सकते हैं इसकी फ्रंट लुक, जिसमें आपको जो मीटर मिलता है ये डिज़ाइन है CG125 वाला, बट ये पूरा एक डिजिटली मीटर है। ओवरऑल आप बाइक की लुक देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। जहाँ पर आपको फ्रंट पर मिल जाती हैं 6 LED बल्ब इसकी फ्रंट की हेडलाइट के अंदर, सिंपल से इंडिकेटर और खूबसूरत सी लुक एंड डिज़ाइन देखने को आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पर आपको मैं मज़ीद इस बाइक के बारे में दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार इस बाइक के अंदर ग्राफिक्स दिए गए हैं, जहाँ पर जो है वो MS जागुर लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी का मोनोग्राम भी हमें मिलता है ई बाइक एंड साथ साथ जो है वो MS ई बाइक आपको टापे पर मिलता है। इसका जो बैटरी वाला डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, प्लास्टिक में है जहाँ पर MS का मोनोग्राम भी है, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक यूज़ की गई है। साथ साथ इसके फ्रंट पे एक फ्रेम लगाया गया जो कि हवा की क्रॉसिंग में हेल्पफुल करता है और बैटरी को ठंडा रखता है। तो हमारा लुक जो है इसकी काफ़ी कमाल निकल कर आती है। अगर मीटर साइड पे आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा डिजिटली कंट्रोल्ड मीटर जो है आपको दे दिया गया है, जिसमें आपको स्पीड साथ साथ आपको बैटरी की पावर बताता है और बैटरी कितनी रह गई है, गियर के नीचे इंडिकेशन दे देता है। टोटल यहाँ पर आपको डिजिटली कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर 3 गियर्स मिलते हैं, 1, 2 एंड 3, और तीनों गियर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीड्स पर इसको चला सकते हैं। मिनिमम ये आपको स्पीड देगा पहले गियर के ऊपर 22 से लेकर 30 के दरमियान, और दूसरे गियर पर आप 45 से 50 के दरमियान स्पीड ले सकते हैं, और तीसरे गियर पर आप 70 तक जो है स्पीड लेने की सलाहियत ये बाइक देती है। इसके अंदर जो बैटरी वगैरह है वो ऊपर ग्रीन यूनिट्स में आपको शो हो जाती है, और रेड पर आ जाए तो बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है। तो ओवरऑल बाइक जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। इसमें जो मोटर लगाई गई है और जो बैटरी लगाई गई है, यहाँ पर कंपनी इसकी वारंटी भी बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करती है। तकरीबन यहाँ पर आपको लाइफ जो मिलती है बैटरी की और मोटर की, 10 साल तक जो है लाइफ मिल जाती है। अगर वारंटी की बात की जाए तो 2 से 3 साल की वारंटी भी यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है। ये बाइक एक दफ़ा चार्ज होने में सिर्फ मैक्सिमम 3 यूनिट्स का जो है वो एक्सपेंस लेती है, और 3 यूनिट के एक्सपेंस के बाद आप जो है इसको तकरीबन कम से कम भी 100 किलोमीटर चला सकते हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन आपको पर डे जो कॉस्ट पड़ती है वो मंथली एक्सपेंस अगर आप डिवाइड करें 2 से 3 हज़ार रुपये आपका मंथली एक्सपेंस होता है, और आप डेली बेसिस के ऊपर 100 किलोमीटर राइड इस बाइक पर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा बाइक है जो दावा कर रहा है वो पूरा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमने इलेक्ट्रिक बाइक देखे जो टॉप स्पीड भी पूरी नहीं देते, जो आपको यहाँ पर एवरेज भी पूरी नहीं देते गाइस, और उनके दावे हमेशा झूठे निकलते हैं, लेकिन MS जागुर MS जेगवार आपसे जो दावा कर रहा है वो सच करके दिखा रहा है। अभी आपको इसका राइड टेस्ट दिखाते हैं और फिर फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस को कि ये बाइक आपको कितने तक की अवेलेबल हो जाएगी। ये जी सबसे पहले हम जो है 70 जागुर की जो है राइड करने लगे हैं, तो जेगवार 70 जो है इसके हवाले से पहले आपको राइड करके बताते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस देती है। दो बंदों के साथ मैं भाई के साथ बैठने लगा हूँ, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं इसका। चलाओ यार, भाई ने अभी स्टार्ट कर दी है तो आप देख सकते हैं ये स्पीड स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं स्पीड दिखा रही है, 2023 की स्पीड दिखा रही है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैं यहाँ पर बैक हैंड पर बैठा हुआ बताऊँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। खोल ले पैदल, खोल चलो तुम। काफ़ी स्मूथ चल रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन भी क्रिएट नहीं कर रही, और काफ़ी अच्छी जो है राइड प्रोवाइड कर रही है। अभी इस वक्त 30 की स्पीड पे जा रही है, 32 की, अब यहाँ पे स्पीड मुलायदा कर सकते हैं, 42-43 पर जा रही है ये। अभी इस वक्त दूसरे गियर पर चल रही है, तीसरा गियर लगाएं प्लीज। तो ये अब तीसरा गियर, अच्छा दूसरे गियर पे चल रही है, तो तीसरा गियर भाई कह रहे हैं कि बैटरी इसकी चार्ज की जाए, तो फिर ये तीसरा गियर पे आराम से चलती है। बैटरी अभी इसकी लो हुई है, 1 यूनिट बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन दूसरे गियर के ऊपर ये 48 तक जा रही है, और तीसरे गियर पर तकरीबन ये 70 तक स्पीड प्रोवाइड करती है, 70 तक टॉप स्पीड ये देती है अगर आप तीसरे गियर पर इसको चला रहे हैं। अभी इस वक्त जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है। अभी जो है मैं चलाकर दिखा रहा हूँ और मैं बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है इस बाइक के ऊपर। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं दे रही, काफ़ी स्मूथ रनिंग प्रोवाइड कर रही है। अभी 34 पे जा रही है, मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और दूसरे गियर के ऊपर ये बाइक चल रही है। यहाँ पर जो है आप इसको स्टॉप कर देते हैं,
तो गाइज यहाँ पर अभी मैंने 70 को एक्सपीरियंस किया है चलाकर, तो बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिला है। एक तो काफ़ी स्मूथ रनिंग थी, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थी बाइक के अंदर, ज़्यादा तेज़ चलाने पर भी बाइक जो है वो काफ़ी अच्छे से और स्मूथली रन कर रहा था, और साथ साथ जो एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी कमाल मिला। और गियर शिफ्टिंग बड़ी आसान है इसके अंदर, बड़े इजीली गियर शिफ्ट हो जाते हैं, जितने भी आपको स्पीड पर चलाना है आप इजीली उसको गियर वाइज मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस बाइक का, स्पेशली राइडिंग इसकी बहुत ही कमाल है। सो गाइस, जैसे कि मैंने इस बाइक की आपको कंप्लीट राइड कर दिखाई और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि MS चाकूर जो वादा करता है वो पूरा करता है। बैटरी लो होने की वजह से ये दो गियर ही लगा पाई, लेकिन दो गियर में आपको 48 तक की टॉप स्पीड देखने को मिली, जो एक्चुअल में यहाँ पे कंपनी का दावा है कि मैक्सिमम 40 से 50 के दरमियान टॉप स्पीड देता है दूसरे गियर में, उस दावे को साबित कर दिखाया है। उसके साथ साथ गाइस एवरेज में भी इनका जो दावा है 100 किलोमीटर का, वो दावा भी बिल्कुल सच्चा है। साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा लाइफ मिलती है इनकी बैटरी की और मोटर की, जो आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलती। और उसके साथ साथ जो वारंटी है वो भी इनकी ऑलमोस्ट आई थिंक सो 3 साल की वारंटी आपको दे रहे हैं, तो वारंटी भी आपको ज़्यादा मिलती है, लाइफ भी आपको बैटरी की और मोटर की ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो दोनों चीज़ें काफ़ी कमाल निकल कर आती हैं। और यही वजह है कि ये बाइक जो है वो काफ़ी एक पावरफुल ऑप्शन है इलेक्ट्रिक्स बाइक कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आपको जो है वो एवरेज भी 100 किलोमीटर दे रही है, साथ साथ टॉप स्पीड भी अच्छी दे रही है, चार्जिंग यूनिट्स भी सिर्फ 3 लेती है, और जिसकी मैक्सिमम कॉस्ट आपको महीने की 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है। इसके अंदर कोई वो जोल्टा वाले फॉल्ट जो आपने देखे थे नॉर्मली, वो इसके अंदर बिल्कुल भी इस तरह के फॉल्ट नहीं है। मैंने इसको चला कर देखा, राइड कर देखा, जैसे कि आपने स्क्रीन पर भी देखा, मुझे जो इसका एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था। बड़े अच्छे से बाइक ने राइड किया, साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी डिसेंट था। अगर रेकमेंडेशन की बात करूँ तो मेरी तरफ से, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप MS चाकूर लें, चाहे पाकिस्तान के किसी भी सिटी से लें, किसी भी एरिया से लें, लेकिन MS चाकूर एक बेस्ट ऑप्शन है तमाम मौजूदा ऑप्शन में, जिसमें हमारे पास रोड किंग भी है, क्योंकि उसमें डिजिटल ऑप्शन नहीं है। रोड किंग वैसे एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डिजिटल मीटर नहीं दिया गया, इसमें आपको डिजिटल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपके पास क्राउन भी आ रहा है, अब यूनाइटेड भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसका हम यूनाइटेड के साथ भी एक कंपैरिजन लेकर आएंगे, तो ओवरऑल यूनाइटेड का ये काफ़ी हद तक कंपेटिटिव बन सकता है, क्योंकि वो भी डिजिटली मीटर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इंशाल्लाह यूनाइटेड के साथ भी इसका एक हेड टू हेड जो आपको कंपेरिजन जल्दी शो करेंगे। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप बात करें कि मुल्तान में आप इसको कैसे ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, अरम ट्रेडर्स जो है वो डेरा अड्डा पर मौजूद हैं, आप इनसे ले सकते हैं, और ये यहाँ पर आपको पार्ट्स वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी, और गारंटी वारंटी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो बहुत अच्छा शोरूम है, यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिक बाइक को जो है डील कर रहे हैं, तो इनके पास हर तरह की कैटेगरी और आपको जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं। साथ साथ गाइज आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ भी बने रहें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद आती रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप एक कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आपका जो फीडबैक है वो हम तक पहुँच सके और हम आपको उसका आंसर दे सकें। आज के लिए इतना था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।